कि कल डिसीजन करिए और ये एग्जाम्स कैंसिल करिए, वरना मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ वर्षा ताई गायकवाड़ के घर के बाहर आंदोलन करूंगा। यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाव को धारावी पुलिस ने किया गिरफ्तार, छात्रों को आंदोलन के लिए भड़काने का है आरोप, क्या है पूरा मामला आइए बताते हैं। धारावी में सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाव उर्फ विकास फाटक को गिरफ्तार कर लिया। मामले में फाटक और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि पुलिस ने पहले ही राज्य के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के पास सोमवार को प्रदर्शन करने को लेकर कार्रवाई करने की जानकारी दी थी। खबर है कि फाटक 10वीं और 12वीं कक्षाओं की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों से प्रदर्शन करने की अपील कर रहे थे। समाचार एजेंसी NIA के मुताबिक फाटक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वो कथित रूप से छात्रों को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने IPC की धारा 353, 332, 427, 109, 114, 145, 146, 149, 188, 269, 270 के तहत FIR दर्ज की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को ये बात पता चली, हिंदुस्तानी भाव उर्फ विकास फाटक ने छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए धारावी इलाके में जमा होने की अपील की थी। दावा किया जा रहा है कि इस यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस बात के प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि उसी ने धारावी में अशोक मिल नाका के पास इकट्ठा होने की छात्रों से अपील की थी। सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद लोगों का क्या कहना है आइए बताते हैं। एक यूजर ने लिखा, दिन भर गाली देता है फिर ज्ञान भी बांटता है। एक यूजर ने आरोप लगाते हुए कहा, इसको भाजपा टिकट देगी, आगे देखते जाइए। एक और यूजर ने लिखा, इसको कुछ समय के लिए जेल में रखना चाहिए ताकि इसका कल्याण हो सके। ABP न्यूज के पत्रकार जितेंद्र लिखते हैं, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर में 10वीं 12वीं के छात्रों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया, बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन लेने की मांग की। नागपुर में छात्रों ने बस पर पथराव किया, बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाव पर भड़काने का आरोप। वहीं एक और ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि महाराष्ट्र पुलिस ने IPC की कई धाराओं के तहत हिंदुस्तानी भाव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। क्या यही इंसाफ है जो सरकार देती है उन लोगों को जो छात्रों के समर्थन में खड़े हैं? आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।